हे हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज की हमारी गेस्ट है मिस रितु। सो मिस रितु, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू। सो रितु, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि आपने कौन कौन सी सीरीज की हैं और आपकी आने वाली कौन कौन सी सीरीज हैं। मैंने रिसेंटली अभी उल्लू के दो सीरीज की है जिसमें मैंने लीड किया है, और एक आलिंगन करके सीरीज किया है, एक अभी गुजरात नवसारी से शूट करके आई हूँ। तो सीरीज तो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, इसके अलावा मैं अतरंगी चैनल के लिए या क्राइम वर्ल्ड के लिए करती रहती हूँ। तो कुछ के नाम बता दीजिए और जो आपकी प्रीवियस रिलीज हैं। प्रीवियस रिलीज मेरी सीरीज है रैबिट ऐप के लिए है, डॉक्टर चौरसिया, भाभी 123, डिंग डोंग, और 61-62 फॉर डिजी मूवी प्लेक्स, और बहुत सारे। मतलब आपके से बहुत सारी सीरीज कर रखी है और आपने बहुत सारी सीरीज देख रखी होगी इनकी। सो रितु, एक बात बताओ, आप आउटसाइडर हैं? हाँ। सो जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, ठीक है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, कितना चैलेंजिंग था, और वहां से यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत मुश्किल था, कोई नहीं माना, ना कोई अभी तक माना है, ना कोई पहले मान रहा था। मैं अकेली निकल पड़ी इस लड़ाई में, और ऊपर वाले की दया से मैं आज सक्सेस हूँ। जो भी कर रही हूँ मैं खुश हूँ, अपने काम से खुश हूँ, अकेले रहती हूँ, बहुत मस्त रहती हूँ, बस काम पे फोकस करती हूँ। यस yes, दोस्तों याद रखना कि इन्फॉर्मेशन ही इनविटेशन नहीं है, हाँ कि अकेले रहती है। दोनों है। ये सही था। तो अच्छा, जैसे वैसे भी कहा जाता है कि एट द एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब, आप सक्सेसफुल हैं। तो आपने जब आप कब आई थी बॉम्बे? मुझे 11 साल हो गए इंडस्ट्री में। ओ माय गॉड, 11 साल। हाँ। तो जब आपने 11 साल पहले आप जब आई थी आंखों में छोटे छोटे सपने लेकर, 11 साल पुरानी रितु, तब कैसी थी और आज की रितु में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन ये। जब मैं बनारस से यूपी से, जब मैं बनारस से आई थी ना, तो मेरा तो बचपन से ही ड्रीम था एक्ट्रेस बनने का। एक्टिंग तो मेरा बचपन से ही था शौक। यहाँ पे आई तो मैं थोड़ा सा डरी सहमी सी, क्योंकि बनारस यूपी से मैं आई थी और मुंबई इतना बड़ा और इतना ग्लैमरस शहर और इतना सपनों की दुनिया है मुंबई सबकी, तो मैं थोड़ा सा डरी सी थी। लेकिन फिर ऊपर वाले की तरह से मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, कहीं मुझे काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे काम आते गए। स्टार्टिंग मैंने भोजपुरी फिल्म एज ए लीड किया, चार काम आते गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब तो झंडे गाड़ सकते हैं, झंडे गाड़ ही रही हूँ। सो रितु, जैसे कि नेचुरली सबके जब आप आई थी पहली बार, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, है ना, और जब उसको पहली बार पता चला होगा कि आप एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और आप उससे जब अलग हुई, सो उसी टाइम पे ब्रेकअप हो गया या थोड़ा सा टाइम लगा उससे अलग होने के बाद, और आज आप उसके टच में है या उसने शादी कर ली और उसके बच्चे हो गए? मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे इस प्रोफेशन से कोई दिक्कत नहीं है। वाह, इनफैक्ट वो तो इतना सपोर्ट करता है कि मुझे लोकेशन तक जाके छोड़ के आता है। मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे इस प्रोफेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश है हम दोनों एक दूसरे के साथ, और ट्रू रिलेशनशिप है मेरा। तो ये तभी का है, बनारस से चल रहा है? नहीं नहीं, ये अभी बम्बई आके बना। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो बनारस वाला जानना है। बनारस वाले बनारस में है। तो उसकी तो शादी आदि हो गई होगी? हाँ, सबके पेट निकल गए, बच्चे हो गए। तो आज जब आप उसे देखती होंगी कभी शायद फेसबुक पे या कहीं कोई ना कोई टच में, तो आप सोचिए अरे अंकल को मैंने डेट किया, ऐसा होता है? और उसे बड़ा दुख होता होगा, यार मैं से क्यों लड़ा है, क्यों? ओ शिट, वो तो ऐसे करता होगा, ओ शिट, हाथ से निकल गई। और जो रिश्तेदार है, खासकर जो रिश्तेदार होते हैं ना, जिन्हें अपने बच्चों को कोई नहीं पड़ी होती है, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनके सगी औलाद कहाँ है, लेकिन उन्हें जानना है कि रितु कहाँ है, क्या कर रही है। हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे रिलेटिव्स को बहुत दिक्कत है कि मैं अकेले बंबई में जी कैसे रही हूँ, इतने अच्छे से कमा खा कैसे रही हूँ, खुश क्यों हूँ मैं? हाँ। मैं अपने स्टेटस या स्टोरीज अपडेट करती हूँ, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत है कि खुश कैसे है, इसको तो परेशान होना चाहिए था। हाँ। तो है, अपने यूपी बिहार में होते रिलेटिव्स कभी खुश नहीं हो सकते हैं, वो जल जल के मर जाते हैं। तो किसी कैसे जल जल के कोई सूख गया वजन से? मेरे खुद के सगे रिलेटिव्स खुश नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप से खुश हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड खुश है, मेरे अपने प्रोफेशन के लोग मेरे से खुश हैं, बस ठीक
ठीक है हम लोग दिल से बहुत खुश है ऋतु भैया। अच्छा ऋतु मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने इतने सारे मेकआउट सीन्स दिए हैं, तो जब पहली बार फर्स्ट टाइम एवर देखो बनारस की लड़की निकल कर आई है, हम बनारस एमपी यूपी जितना मैं जानती हूँ हमारे यहाँ अगर मतलब ये स्लीवलेस चूड़ियाँ भी पहन ले कुर्तियाँ पहन ले तो भी मोहल्ले के कान खड़े हो जाते हैं। तो जब पहली बार आपने कोई बोल्ड सीन किया या बिकनी पहनी या मेकआउट सीन दिया तब कैसा लगा, कैसे आप कितनी कंफर्टेबल थी? नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैंने प्राइम प्ले वालों के लिए फर्स्ट बोल्ड किया था, हमारे को आर्टिस्ट विनोद त्रिपाठी जी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, हाँ. तो उनके साथ फर्स्ट किया था, मैं बहुत अपसेट थी, जैसे ही पैकअप हुआ ना मैं थोड़ा अकेले में जाके नर्वस थी, थोड़ा सा रोई, फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, ये तो एक्टिंग थी ना, मैं रियल थोड़ी कर रही हूँ, और इसी से पैसे आएंगे, इसी से मेरा घर चलेगा, इसी से मैं खुश रहूंगी, तो रोना धोना क्यों। फिर तो बस मैं निकल पड़ी, फिर करते गए, बस बस अब तो बोर्ड ही करती हूँ ऐसा नहीं है और भी काम आता है तो करती हूँ, बोर्ड में ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करती हूँ क्योंकि ये मेरी एक दुनिया एक बन गई है, तो खुश हूँ मैं। तो रितु मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि आपने मूड एक्स के लिए सीरीज की है, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा ना इग्नोर कर देते इस सवाल को, ठीक है। तो ये बस मुझे ये बता दो उसमें एक्टर कौन था साथ में, कोई तो महान इंसान रहा होगा। मैंने ना जब से बोर्ड करना चालू किया था मैंने एक एक्टर का नाम सुना था, शेक्सपियर त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी थे? हाँ हाँ। तो मैं बड़े चक्कर में थी बहन, चूंकि इतना अजीब सा नाम शेक्सपियर त्रिपाठी है कौन है कौन। हाँ। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मूड नेपाल में उसके साथ ही मेरा शॉट लगने वाला है, ये शेक्सपियर त्रिपाठी, ओ माय गॉड सपनों का राजकुमार, तो उसके साथ मैंने किया। हाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। जो भी लड़की उसके साथ एक बोल सीन करती तारीफ तो उसकी करती है, एक्चुअली बाय नेचर वो बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट करने वाला एक्टर है, बहुत सपोर्टिव है वो, बहुत डाउन टू अर्थ है, जिस हिसाब से उसकी फैन फॉलोइंग है उसको तो हवा में उड़ना चाहिए, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ है, तो मुझे अच्छा लगा। नहीं कह रही ही इज रियली गुड, हमारा पहले शो का पहला जो इंटरव्यू था